कुलुसियों एक अध्याय 15 से 23 तक, एक कुलुसियों 1:15-23। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलिशिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। प्रिय भाई बहनों, इधर पौलुस कुलुसियों के सगर में जो विश्वासी भाई बहन है उन लोगों के लिए पत्र लिख रहे हैं। मेनली कुलुसी शहर में कहीं गलत उपदेश आने लगे, इसलिए यीशु मसीह कौन है करके उनके बारे में विवरण से, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में कहीं उधर अलग अलग उपदेश आया होगा, अभी भी है ना, अभी भी देखिए। कोई बोलते हैं जीसस ओनली, केवल यीशु, पिता को ध्यान नहीं देंगे, पिता को फेंक दिया, पवित्र आत्मा को फेंक दिया, सब यही है, यीशु ही सब, ऐसा नहीं है। ऐसे जीसस ओनली करके बड़ा एक ग्रुप है गलत उपदेश वाला, जहोवा विटनेसेस करके गलत उपदेश है, वो लोग केवल पिता को ही देखेंगे, जहोवा को, यीशु का नाम नहीं लेंगे, पवित्र आत्मा का नाम लेंगे। ऐसे त्रिएक परमेश्वर के बारे में दुनिया में अलग अलग समय में अलग अलग गलत उपदेश फैलते गए, अभी भी है, अभी भी आखिरी दिनों में और भी क्या क्या आएगा मालूम नहीं। गलत उपदेश के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी उसमें पूरा नहीं जाना है हमको। अभी देखिए आपको कोई अभी हमारा नोट है, पैसा 500 रुपया नोट है, और पहले 2000 रुपया नोट था, 100 रुपया नोट है, 50 रुपया नोट है, ये सब नोट को एक गवर्नमेंट हमारा सरकार बनाती है, लेकिन वो कोई कोई चोर लोग इसके समान नकली भी बनाते हैं। फिर उस नकली नोट को पहचानने के लिए एक स्पेशल टीम वो लोग उनको सिखाते हैं कैसे पकड़ेंगे उनको, नकली नोट का पहचान नहीं कराएंगे, असली नोट में एक एक डिटेल क्या क्या असली नोट में है पूरा थरोली अच्छा से अच्छी रीति से उनको पढ़ाएंगे। वो लोग उस टीम में जो जो है उस ग्रुप में अच्छी रीति से वो लोग जान लेंगे 500 रुपया में क्या क्या रहता है, 100 रुपया में क्या क्या रहता है, ये सब जानकर जब वो लोग
इसको दूसरा कोई नकली नोट मिलता है तुरंत उनको पता चलता है ये नकली है, क्योंकि ये असली में जो है वो उधर नहीं है, सब मैच नहीं हो रहा है। इसलिए हम भी मसीह लोग भी त्रिएक परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा का आत्मा के बारे में ये क्लियर आइडिया साफ साफ हमारे लिए एक नींव डाल के रखना चाहिए, ताकि अच्छी रीति से बाइबल में पिता परमेश्वर के बारे में कई वचनों लिखा है, पुत्र यीशु मसीह के बारे में अलग से कई वचन हमको मिलता है, और पवित्र आत्मा का बारे में अलग से लिखा है। ये तीनों एक है लेकिन तीन है। वैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया गया, कोई भी एग्जाम्पल इसका मैच नहीं होगा, फिर भी थोड़ा आपको समझ में आएगा। एक बड़ा एक पेड़ को काटते हैं, वो पेड़ के बड़ा टुकड़ा है, उसमें से हम कई चीज़ बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, दरवाजा बना सकते हैं, और हम रोटी बनाए बनाएंगे बेलन वो बना सकते हैं, बैठने के लिए कुछ चीज़ बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन एक ही पेड़ से कितना भी आप बनाइए उसका गुण एक ही रहेगा, उसमें अलग अलग नहीं रहेगा। वैसे ही त्रिएक परमेश्वर भी एक ही गुण के हैं, लेकिन उन तीनों अलग अलग है, तीनों का मतलब जो काम है उनका अलग अलग है। इसको हम हमेशा याद रखना है। कोई भी आपको आपसे आकर ये नहीं वो नहीं बोलेंगे, आप उसको अपना मगज से, अपना जो मगज है ब्रेन है प्रभु ने दिया इस दुनिया में जीने के लिए, उससे परमेश्वर को आप मापने कर सकते हैं, उसको उससे परमेश्वर को पूरा पूरा आप समझ नहीं सकते हैं। वो आपको मालूम होना चाहिए, त्रिएक परमेश्वर के बारे में पूरा जानकारी अभी कोई भी मनुष्य को नहीं है। प्रभु के बारे में क्या लिखा है, अनंत जीवन के बारे में क्या लिखा है, पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन, मतलब क्या है प्रिय भाई बहनों, पुत्र यीशु मसीह के बारे में वो मुक्तिदाता है, वो मेमना है तुम्हारे लिए, ये मनुष्य है तुम्हारा पापों के लिए बलिदान, यही है मेरा पुत्र है, यही वही एक ही रास्ता है, इसका ऊपर विश्वास करो, यही सुसमाचार है। वो आया मनुष्य के रूप में आया, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया और इस पृथ्वी में जिए, बलिदान हुआ, तीसरा दिन जी उठा, स्वर्ग में चला गया, पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ में विराजमान है। यही जो जो विश्वास करते मेरे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, वो जानकारी पहले जानकारी वो जिसको हो गया है उनको पिता ने प्रकट करता है, और हम जब उसको विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम इब्राहिम का संतान बन जाते हैं, हमको प्रभु अपना बच्चा बना देते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं। योहन्ना 1:12 में लिखा है, जो जो उनको स्वीकार किया उद्धारकर्ता के रूप में पुत्र को पिता परमेश्वर भेजा हुआ अपना पुत्र को, जो जो उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया उनको अपना बच्चा बना दिया पिता परमेश्वर ने, हम बच्चे बन गए उनको। यही है, यही थोड़ा जानकारी, पूरा हमको जानकारी नहीं है। अनंत जीवन यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना, योगना लिखता है पिता और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। अनंत जीवन मतलब युगान युगम परमेश्वर को और भी जानते जाएंगे। इसलिए अभी ये मगज से आपको यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है करके पूरा पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। दुनिया में कई लोग मनुष्य लोग बहुत घमंड रहते हैं, मनुष्य लोग का क्या है घमंड करने के लिए, एक ही सेकंड में प्रभु उसको श्वास को ले लेंगे, वो तुरंत मर जाएगा। उनका मगज में जो जो सीख के रखा है, इंजीनियरिंग नॉलेज, मेडिकल डॉक्टर होगा तो डॉक्टर का कुछ भी नॉलेज कोई भी हो, वो मरने के बाद में उनका मगज सट जाता है, क्या फायदा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को हमारा समझ का अंदर सीमित करने के लिए हम कभी नहीं सोचना, ऐसे हम सोचते हैं तब कहीं गलत उपदेश आता है। इसलिए पौलुस इधर यीशु मसीह कौन है करके अच्छा से लिखता है, यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर का प्रतिरूप और परमेश्वर का अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर पिता,
अभी हम किसी को वो देखा नहीं, हम पिता को अदृश्य परमेश्वर पिता को, पिता का प्रतिरूप के रूप में दुनिया में यीशु मसीह आए। जब यूहन्ना 14 अध्याय में फिलिप्पोस यीशु मसीह से पूछता है, एक शिष्य, प्रभु पिता को हमको दिखाइए, वो काफ़ी है हमारे लिए। तब यीशु मसीह ने क्या बोले फिलिप्पोस से, फिलिप्पोस तुम अभी तक जाना नहीं किया मैं कितने साल आपके लोगों के साथ हूँ, जो मुझे देखा गए वो पिता को देखा गए, मैं और पिता एक ही होकर कब बोल रहा है। बड़ा बड़ा अर्थ से भरा हुआ वाक्य है, लेकिन विश्वास करो करके फिलिप्पोस को प्रभु ने सिखा रहा है। पिता को अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप में रूप में मनुष्य बनकर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए। और दूसरा क्या है, वो ही सृजनहार है, वर्ड वही शब्द है। पिता परमेश्वर अपने शब्दों में से पूरा पृथ्वी को बनाया। इब्रानियों का पहले अध्याय में हम देख सकते हैं, दूसरा वचन से पढ़ेंगे, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, तत्व उसका तत्व की छाप है, गुण सेम गुण है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा बैठा। प्रिय भाई बहनों, इधर यीशु मसीह के बारे में अच्छा से लिखा है, वो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। संभालने वाला, जो पहले वचन बता दिया, जो जो पेड़ पौधा पानी सूर्य चंद्र हवा कैसे काम करना है, वो एक बार बोल दिया बस, उसका वचन से सब अभी भी स्थिर है, काम कर रहा है। सृष्टि किया, वो वचन से सब कुछ ताम कर चला रहा है। देखिए, सब सृष्टि के पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे। आदि युगना लिखता है ना, युगना का पुस्तक सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं, युगना का सुसमाचार में पहला अध्याय में पढ़ सकते हैं इसके बारे में अच्छा से। पहले वचनों में युगना लिखता है, युगना सुसमाचार, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। देखो, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था। देखो प्रिय भाई बहनों, अच्छा से लिखा है, पहले वो लोग कोई भी सृष्टि नहीं हुआ, केवल वो लोग थे, परमेश्वर था, वचन का वचन परमेश्वर मतलब पुत्र परमेश्वर, पिता पवित्र आत्मा थे, त्रिएक परमेश्वर थे। उसके बाद में ही सब बनाया, स्वर्गीय दूतों को बनाया, लूसीफर मतलब जो केरूप, वो भी एक स्वर्गीय दूत, वो भी उसके बाद में बनाया, सब सृष्टि बनाया। उसके बाद में आदम हवा बनाने के पहले जो दुनिया बेडोल और सुनसान, वो कौन कराया इसे पृथ्वी को, जब लूसीफर स्वर्ग में तीन में एक भाग को खराब किया स्वर्गीय दूतों को, उसको स्वर्ग से निकला गया, वो लोग को मध्य आकाश में वो लोग गिराए गए, वो पृथ्वी को भी नाश किया लूसीफर ने। इसलिए कोई कोई बोलते हैं आदम हवा बनने के पहले पृथ्वी ऐसे सुनसान नहीं था, वो होने के पहले कोई जाति लोग थे, वो लोग कैसे थे मालूम नहीं, था कि नहीं मालूम है, लेकिन ये सब सृष्टि मनुष्य को बनाया, ये सब चीज़ यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में पिता परमेश्वर ने सृष्टि किया और सबको ताम कर अभी तक चला रहा है। और इतना ही नहीं है, और तीसरा मेन इधर पौलुस लिखते हैं, जो हम हमारा पापों में मरे पड़े थे, हमको प्रभु ने जिलाया, हमको उद्धार दिया, एक उद्धार करता है वो। मेनली वो पिछले भाग में लिखते हुए हम देखते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब
लूसीफर और उनके साथ स्वर्ग में तीन में एक भाग स्वर्गीय दूत गिर गए वो लोग को वापस स्वर्ग में लेके आने के लिए यीशु मसीह काम करने के लिए नहीं गया, उसको उद्धार करने के लिए, उसको मेल मिलाप करके वापस स्वर्ग में लूसीफर को, उनके गिरे हुए स्वर्गीय दूतों को स्वर्ग में वापस लेके जाने के लिए यीशु मसीह मरा नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में नहीं आया। लूसीफर को जिस दिन वो गिरा वो उस दिन उनका ऊपर एक लगाया, उनका जजमेंट वही, वो उसको हजार साल होने के बाद में, प्रभु का राज्य होने के बाद में इस पृथ्वी में नया पृथ्वी नया आकाश आएगा, उसके पहले उसको भी आग का झील में नरक में उसको भी डालेंगे, उनके स्वर्गीय दूतों को डालेंगे, दुष्टात्माओं को प्रभु डालेंगे। ये सब लूसीफर के लिए उद्धार नहीं है। कोई शैतान को पर तरस खाएंगे, लूसीफर को प्रभु उद्धार करेंगे क्या करके पूछने वाला भी है मसीह समाज में, ऐसा नहीं है। लूसीफर उनके साथ गिरे हुए स्वर्गीय दूतों के लिए उद्धार नहीं है। वो लोग गिर गए बस हो गया, लेकिन मनुष्य अपने रूप में बनाया हुआ मनुष्य को प्रभु उद्धारकर्ता का भेजा, यीशु मसीह को अपना पुत्र को मनुष्य को उद्धार करने के लिए भेजा। अब इब्रानियों का दूसरा अध्याय में पढ़ सकते हैं, इब्रानियों का दूसरा अध्याय में पढ़ेंगे तो 16 वचन, इब्रानियों का दूसरा 16, उसमें क्या है 16 में ऐसे लिखा है, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इधर संभालता करके लिखता है, लेकिन हमारे तमिल भाषा में उनको साथ देने का अपना हाथ दिया उठाने के लिए वापस स्वर्ग में उसको लेके जाने के लिए, मनुष्य लोगों के लिए यीशु मसीह उद्धार करता बना। वो भी इधर लिखा है इब्राहिम की संतान, मतलब केवल यहूदी नहीं है, इब्राहिम की संतान मतलब आत्मिक, मतलब हम उद्धार पाए हुए विश्वास, इब्राहिम जैसे यीशु मसीह के ऊपर बलिदान के ऊपर विश्वास जो जो करते हैं वो लोग इब्राहिम का संतान है। जो जो यीशु मसीह को पिता ने भेजा उद्धारकर्ता के रूप में, उसको जो जो उनके बलिदान के ऊपर विश्वास करके, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे एक उद्धारकर्ता आपकी जरूरत है, मेरे पापों के लिए आप मरा, मेरे लिए जी उठा, ये सब जो विश्वास करते हैं, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मरा, जो विश्वास करते हैं आप मेरा प्रभु है करके जो कबूल करते हैं स्वीकार करते हैं, वो लोग ही इब्राहिम की संतान, वो लोग के लिए प्रभु हाथ दिया वापस उनके लिए। यही पौलुस इधर लिखते हैं, हम जो पाप में मरे पड़े थे, हम प्रभु से अलग किए हुए लोग थे, अलग हो गए हैं पाप की वजह से, आदम के पाप की वजह से, लेकिन अब यीशु मसीह का काम क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी को एक करना, स्वर्ग और पृथ्वी अलग गए, भी स्वर्गीय दूत ऊपर गए, स्वर्ग अलग गए, एक पूरा पूरा परफेक्ट है, लेकिन पृथ्वी पूरा अभी भी देखते हैं पूरा बिगड़ा हुआ अवस्था में है, पापी लोग से भरा हुआ है, प्रभु के बच्चे लोग थोड़े लोग हैं, लेकिन एक करने का सब लोग ऐसे, आदम जब गिरा पृथ्वी और स्वर्ग पूरा अलग हो गया, लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह का बलिदान के ऊपर जो जो विश्वास किया, स्वर्ग के साथ हमें मेल मिलाप कर दिया, पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया, और मेल मिलाप का संदेश हमें दिया। पौलुस बोलता है लास्ट वचन में 23 में, मैं उसके लिए सेवक बनाया, बन गए, क्यों, क्या सेवक, वो सुसमाचार, क्या सुसमाचार, यीशु मसीह उद्धार करता है, पिता परमेश्वर से भेजा हुआ मेमना है, दुनिया उत्पन्न होने के पहले वध किया हुआ मेमना है, वो ही एक ही रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए। ये संदेश, शुभ संदेश, इसको फैलाना है पौलुस का काम, हमारा काम भी, जो जो विश्वास करते हैं वो लोग स्वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अभी हम इधर ही हैं, लेकिन एक दिन आएगा प्रभु का आगमन आएगा, उधर जाएंगे और स्वर्ग में रहेंगे, फिर उपद्रव काल के बाद में 7 साल के बाद में स्वर्ग से प्रभु के साथ आएंगे, फिर 1000 साल उसके साथ राज्य करेंगे, उसके बाद में बुराई और भलाई को प्रभु पूरा अलग करेंगे। अभी साथ गए शैतानिक लोग भी गए, हम भी गए साथ, दुनिया में बुराई भी भलाई दोनों मिलकर वास करता है,
लेकिन एक दिन आने वाला है, प्रभु बुराई को एकदम अलग करेंगे भलाई से। भलाई कहाँ वास करेगा? नया पृथ्वी, नई पृथ्वी, नया आकाश में, यरूशलेम, नई यरूशलेम, उधर नया पृथ्वी में, नई पृथ्वी में रहेगा। पिता परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, पुत्र परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, अन्य युगान युग के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। उधर कुछ रोना नहीं है, श्राप नहीं है, पाप नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो भलाई। और बुराई कहाँ रहेगा? जो लूसीफर उनके साथ गिरे हुए स्वर्गीय दूत, उनका ही साथ देने वाला दिया हुआ सब मनुष्य लोग, सब लोग नरक में जाएंगे युगान युग के लिए। एक अलग करने वाला एक काम तब होगा। तब तक यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह का मेन काम क्या है? उनका गुण क्या है? वो कौन है? ये सब पौलुस इधर अच्छी रीति से लिखते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह ने बोला है, जब पुनर्तन पाकर इम्माऊ करके एक गांव में दो शिष्य लोग जा रहे थे, उनके बीच में वो चलकर प्रचार किया। वो क्या बोला? वो मंदबुद्धि लोग, तुम लोग मूसा का नियम और भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तकों में और भजन संहिताओं में मेरे बारे में ये सब लिखा गया, ये आपको जानकारी नहीं है क्या? प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति से लेकर उत्पत्ति 3 अध्याय में एक वचन प्रभु ने दिया है, 15 वचन, तो एक उद्धारकर्ता आएगा, शैतान का सिर को कुचलेगा। उसी से लेकर पूरा पुराना नियम में हम एक एक भविष्यद्वक्ता को पुस्तक में, भजन संहिताओं में और मूसा का नियम, जो मूसा का नियम आज्ञा दिया, ये सब यहूदी लोगों के लिए, सब आदम से लेकर सब पुस्तकों में यीशु मसीह के बारे में ही लिखा है। जो जो उसको देखकर लोग, उसमें क्या लिखा गया? हम परफेक्ट नहीं है, हम पापी हैं, हमारे लिए उद्धारकर्ता का आवश्यकता है। वो कहाँ गए? वो आएगा आएगा आएगा, ये आएगा 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 करके पुराना नियम पूरा हमें बताता है। इंतजार करके यीशु मसीह 2000 साल पहले आया मनुष्य के रूप में, इंतजार खत्म हो गया। और यीशु मसीह आने के बाद में जो जो उनको पर विश्वास करते हैं वो लोग स्वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं। यही मध्यस्थी का सेवकाई यीशु मसीह करने के लिए यीशु मसीह आया, हमारे महायाजक के रूप में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर। अभी जो हम इधर कष्ट उठा रहे हैं, प्रभु के बच्चे लोग, इब्राहिम की संतान, विश्वास किए हुए प्रभु के बच्चे लोग के लिए वो वकालत कर रहा है। यीशु मसीह के लघु हमारे लिए भलाई बातों को स्वर्ग में पिता परमेश्वर के साथ करती है। प्रिय भाई बहनों, ये आप जानकारी लीजिए, बस आपका मगज को त्रिएक परमेश्वर के बारे में ये वो करके उसको घुमाना नहीं है, विश्वास कीजिए। इतना अलग अलग वचन में पौलुस ने लिखा, पुराना नियम में कई वचन है, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। पिता का अलग काम है, पुत्र का अलग काम है, पवित्र आत्मा का अलग काम है, लेकिन उनका तत्व, तीनों का तत्व एक है। गुण पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों को एक ही गुण है, वो लोग एक ही गुण है, लेकिन पिता परमेश्वर के नीचे ही यीशु मसीह युगान युग रहेगा। वो भी हम मन में रखना है। सबको एफिसियों को पुस्तक में पौलुस लिखता है, सब चीज़ों को, सब अधिकार, सब कुछ जो भी है, सब यीशु मसीह का पैरों के नीचे पिता परमेश्वर ने दे दिया। लेकिन पौलुस अगले वचन में लिखता है, लेकिन जो उनका पैरों के नीचे सब कुछ दे दिया वो उनका पैरों के नीचे नहीं है। मतलब युगान युग पिता परमेश्वर का नीचे ही यीशु मसीह रहेगा। यीशु मसीह परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर में एक है, लेकिन पिता परमेश्वर का नीचे पिता पहले, पुत्र उसके नीचे रहेगा। ये सब चीज़ें रहस्य चीज़ें हैं, कुछ हमारा मगज के अंदर नहीं आएगा, लेकिन मगज को घुमाना नहीं है, विश्वास कीजिए। हमको मेन एक है, हम स्वर्ग जाना है, हम प्रभु के साथ मेल मिलाप होना है हमारा। हम इस पृथ्वी में मरने के बाद में स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद में नया पृथ्वी, नया आकाश बनाएगा, हमेशा उनके साथ रहेंगे महिमामय शरीर में, क्योंकि वो पहले पहले महिमामय शरीर पाया हुआ यीशु मसीह है। उसके पहले कोई भी मनुष्य है महिमामय शरीर नहीं पाया, केवल कोई कोई लोग मृत्यु से जिलाया गए लेकिन वापस मर गए, लेकिन यीशु मसीह
एक बार मरा फिर जी उठा महिमामय शरीर में, कभी फिर नहीं मरेगा वो महिमामय शरीर, प्रभु का आगमन में हमें दिया जाएगा उसी समय तक अभी हम ये शरीर में हमको रहना पड़ेगा। जब महिमामय शरीर हमको मिलेगा तब हम कभी मरेंगे नहीं, प्रभु के साथ हमेशा रह सकेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें, आमीन।